नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। किसी भी देश में अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है, साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर किसी अनैतिक कार्य में संलग्न होता है, तो वो उस देश की उम्मीदों के साथ बड़ा विश्वासघात करता है। दुनिया के सभी लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करने और पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का प्रावधान संबंधित देश के संविधान में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है, लेकिन अगर वो भी राजद्रोह, भ्रष्टाचार या कदाचार में शामिल पाया जाता है, तो इस शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ भी महाभियोग का पहरा बिछाया गया है। ताजा मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से जुड़ा हुआ है, जहां संसद के निचली सभा यानी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो एक बड़ी राजनीतिक घटना है। आज का विशेष महाभियोग के संकट से घिरे डोनाल्ड ट्रंप पर। बताएंगे आपको उनके आरोपों के बारे में जो ट्रंप पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अमेरिकी संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और क्या है अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में महाभियोग का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि विरोध में 196 वोट डाले गए। प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त है और इसी के नेतृत्व में महाभियोग जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेनी गैस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संकट में घिरते जा रहे हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच औपचारिक तौर पर शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अमेरिकी सांसदों ने 31 अक्टूबर को पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया। महाभियोग प्रस्ताव पर जब वोटिंग शुरू हुई तो इसके पक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि विरोध में 196 वोट डाले गए, जबकि दो डेमोक्रेट सांसदों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जांच होगी। इस प्रस्ताव में ये भी तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों को क्या अधिकार हासिल होंगे। देखिए, ट्रंप साहब पर यह आरोप लगाया है डेमोक्रेट्स ने कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो डेमोक्रेटिक उनके राइवल उभर कर आ रहे हैं, जो बाइडेन जो पहले भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति से ये कहा कि जो बाइडेन और उनके बेटे के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ यूक्रेन में, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इसको डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये अपने पद का सरासर दुरुपयोग है और इसके लिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो उन्होंने ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। महाभियोग प्रस्ताव में खुफिया मामलों की समिति के प्रमुख एडम स्किफ के नेतृत्व में सार्वजनिक जाँच करने की बात कही गई है। वही नियम समिति के अध्यक्ष मैकगवर्न ने कहा कि उनके पास राष्ट्रपति द्वारा ताकत का गलत इस्तेमाल, राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया से समझौता करने के पुख्ता सबूत हैं। इसके अलावा सदन की चार समितियों का कहना है कि उन्होंने जांच के दौरान सबूत और बयान इकट्ठे किए हैं, जिन्हें जल्द ही अमेरिकी जनता के सामने लाया जाएगा।
इसके साथ ही कहा कि इन सबूतों से ये साफ हो जाएगा कि ट्रंप ने ताकत का दुरुपयोग 2020 के अमेरिकी चुनाव के फायदे के लिए किया है या नहीं। This is a sad day. When our founders drafted the Constitution more than 230 years ago, they included a process that could lead to removing a president from office if he or she abused their power. That is what separates America from so many other nations. There are no kings or queens here, and no one is above the law. महाभियोग प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधि सभा की 6 समितियां राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग के मामले की जांच करेगी। इसके अलावा अगर मामला ज्यादा ही मजबूत पाया गया तो वो न्यायिक समिति के पास भेजा जाएगा। अगर जांच में ट्रंप के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो वो अपने पद पर बने रहेंगे और सबूत मिल गए तो प्रतिनिधि सभा महाभियोग प्रक्रिया की विभिन्न धाराएं लगाने के लिए संसद में वोटिंग कराएगी। महाभियोग के पक्ष में ज्यादा वोट आए तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर सीनेट के पास भेजा जाएगा जहां धाराओं पर सुनवाई होगी। इसके बाद ट्रायल में सीनेट ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए वोटिंग कराएगी। सीनेट की आयोजित की गई इस वोटिंग में ट्रंप के पक्ष में 2/3 से कम वोट पड़े तो ट्रंप पद पर बने रहेंगे और वोट ज्यादा पड़े तो ट्रंप को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महाभियोग प्रस्ताव को लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नैंसी पेलोसी ने कहा कि हम अपने देश को एक ऐसे राष्ट्रपति से बचा रहे हैं जो कहते हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी इस सोच के सहारे चल सकते हैं तो ये अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। Constitution is the blueprint for our republic and not a monarchy. But when we have a president who says Article 2 says I can do whatever I want, that is in defiance of the separation of powers. That's not what our Constitution says. So what is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy for the people. वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आरोप को खारिज करते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लाए गए प्रस्ताव को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा विच हंट बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेनी गैस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। दरअसल अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने सरकार के एक वॉचडॉग से शिकायत की थी कि ट्रंप ने एक विदेशी नेता से बातचीत की है। बाद में पता चला कि ये विदेशी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। हालांकि ट्रंप ने माना कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सैन्य मदद रोकने की धमकी इसलिए दी ताकि यूरोप भी मदद के लिए आगे आए। मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने के आरोपों से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं होंगे। अपने बेबाक अंदाज और हलचल पैदा करने वाले बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ट्रंप के लिए महाभियोग बड़ी मुसीबत लेकर आया है। ये सवाल बेहद अहम है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की भूमिका क्या होगी और महाभियोग साबित होने पर ट्रंप का क्या होगा। आइए ये भी जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। अमेरिका के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग साबित करने के लिए एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अमेरिका के संविधान के मुताबिक किसी राष्ट्रपति को उसके 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कई आधार हैं।
संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति ट्रीजन यानी राजद्रोह करने, ब्राइबरी यानी रिश्वत लेने या हाई क्राइम्स या मिसडेमिनर्स यानी उच्च अपराध या कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। उच्च अपराध और कदाचार के दायरे में कौन से अपराध आ सकते हैं, इसका फैसला कांग्रेस के विवेक पर छोड़ा जाता है। पूर्व में भ्रष्टाचार और अन्य दुर्व्यवहारों के साथ न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश भी शामिल होती रही है। ये शुरुआत होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अगर हम अमेरिका का केस लें, हर देश में अलग अलग प्रक्रिया होती है। यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरुआत होगी उसमें। और जैसे अभी बात हुई है, उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए हैं। एक तो प्राइमा फेसी देखते हैं जो क्या तथ्य हैं, क्या उसमें फैक्चुअल क्या चीज़ है। महाभियोग की प्रक्रिया समझने के लिए अमेरिकी संसद की बनावट को समझना महत्वपूर्ण है। दरअसल हमारी संसद की ही तरह यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के भी दो हिस्से हैं, सीनेट यानी ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोअर हाउस। सीनेट में कुल 100 सीनेटर्स होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं और हर प्रांत पर 2 सीनेटर्स होते हैं। वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 6 नॉन वोटिंग सदस्य अतिरिक्त होते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में इन दोनों सदनों की भूमिका अहम है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रक्रिया के लिए साफ स्थितियां बताई गई हैं, जिसके मुताबिक आर्टिकल 1 सेक्शन 2 के तहत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ताकत होगी महाभियोग चलाने की। आर्टिकल 1 सेक्शन 3 के तहत सीनेट के पास पावर होगी महाभियोग का केस चलाने की। और आर्टिकल 2 सेक्शन 3 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है अगर वो दोषी साबित हो। तो इसमें सबसे पहला, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी एक रूल्स पास हुए हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किए हैं। जो अमेरिकन जो कांग्रेस है वो दो चैम्बर्स में बटी है, यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस और सेनेट। तो इसमें पहला जो रोल होता है वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है और उसमें अभी ये पहला इन्होंने लॉ पास किया है। अब जुडिशरी कमेटी जो हाउस की है वो इसको एक पब्लिक हियरिंग करेगी और उसमें सारे जो भी ये जो विषय है जिसको लेकर इम्पीचमेंट हो रहा है, महाभियोग चलाया जा रहा है, वो सारे विषयों पर पब्लिक हियरिंग होगी। उसकी एक पब्लिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस पब्लिक रिपोर्ट के बेसिस पर फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिसाइड करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाना चाहिए या नहीं। महाभियोग की इस प्रक्रिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति पर आरोप तय करता है और वही ड्राफ्ट तैयार करता है, फिर सीनेट में केस चलता है और इस ट्रायल की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहली राह है कि कांग्रेस महाभियोग से जुड़ी जांच का जिम्मा जुडिशरी कमेटी को सौंपे ताकि ये तय हो सके कि महाभियोग चलाना चाहिए कि नहीं। इसके बाद कमेटी आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट यानी आरोप तय करके इसकी अनुशंसा दोनों हाउस से कर सकती है। दूसरा तरीका ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव खुद से ही एक कमेटी या पैनल का गठन करे जो इम्पीचमेंट से जुड़ी प्रक्रिया संभाले। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि बिना कोई कमेटी बनाए इम्पीचमेंट आर्टिकल्स पर सीधे फ्लोर वोटिंग करवा ली जाए। इम्पीचमेंट अगर हो भी जाए तो उसके बाद अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो वो फिर मामला सेनेट में जाता है जो अपर हाउस है, और उसमें आपको 2/3 मत चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। यहाँ पर जो निचला हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, परंतु अपर हाउस में आपको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। और रिपब्लिकन्स के वहाँ पर मेंबर ज़्यादा हैं, 53 हैं, और डेमोक्रेट्स के 47 हैं, तो इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती। जो अगर इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सफल हो भी जाता है तो आगे जाकर वो सेनेट में वो पास हो पाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने पद से हटा पाएंगे। चाहे जिस प्रक्रिया के तहत महाभियोग लाया जाए, दोनों सदनों का रोल अहम है। निचली सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग के जरिए महाभियोग के लिए लगाए गए आरोप को पास या फेल कर देती है। अगर बहुमत से निचली सदन आरोप को सही मानती है तो महाभियोग चलेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोष सिद्ध हो गया और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ से आगे प्रक्रिया सीनेट के पास पहुँचती है और सीनेट में तय आरोपों पर केस चलता है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। केस की सुनवाई के लिए सीनेटर्स के बीच से ही मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। आरोपी ट्रायल के दौरान अपना डिफेंस पेश करता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सीनेट महाभियोग के हर आर्टिकल पर वोट करती है। अगर दो तिहाई सदस्य आरोपी को दोषी मानते हैं तो ही दोष सिद्ध हो सकता है। हालांकि अमेरिका में महाभियोग की ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। जुडिशरी कमेटी जो हाउस की है वो इसको एक पब्लिक हियरिंग करेगी और उसमें सारे जो भी ये जो विषय है जिसको लेकर इम्पीचमेंट हो रहा है, महाभियोग चलाया जा रहा है, वो सारे विषयों पर पब्लिक हियरिंग होगी। उसकी पब्लिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस पब्लिक रिपोर्ट के बेसिस पर फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिसाइड करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाना चाहिए या नहीं। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसको पास कर देते हैं तब ये मामला सेनेट में जाता है जहाँ पर ट्रायल होता है, जो कि जिसमें कि हाउस सेनेट राष्ट्रपति को एक कोर्ट की तरह ट्राई करेगा और ये जो भी आरोप उन पर लगे हैं वो एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और उसमें राष्ट्रपति की तरफ से उनका वकील उनको डिफेंड करता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में दोष सिद्ध होने की स्थिति में सीनेट उन्हें कोई भी सजा दे सकती है। सजा के तहत ऑफिस से हटाया जा सकता है या फिर उन्हें फेडरल अथॉरिटी को दोबारा हासिल करने से बैन किया जा सकता है। यानी महाभियोग साबित होने पर पद गंवाने वाला राष्ट्रपति दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि इतिहास में कई राष्ट्रपति महाभियोग का सामना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग की वजह से अपना ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए अब आपको बताते हैं महाभियोग के इतिहास के बारे में। ब्रिटेन से शुरू हुई ये प्रक्रिया लगभग हर देश में मौजूद है, लेकिन महाभियोग के जरिए संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को हटाने के मामले बहुत कम हैं। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है पकड़ा जाना। इस शब्द की जड़ें भले ही लैटिन भाषा से निकलती हों, लेकिन इसे वैधानिक तौर पर प्रक्रिया में ढालने की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। ब्रिटेन में 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था। इतिहास में महाभियोग चलाने के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुछ चर्चित मामलों की बात करें तो इसमें ब्रिटिश संसद में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर चला महाभियोग आता है। हेस्टिंग्स पर कलकत्ता में अपने शासनकाल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर 1788 से 1795 तक महाभियोग चला, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। इंग्लैंड में हेस्टिंग्स के अलावा लॉर्ड मेलविले पर भी ब्रिटेन में महाभियोग चला। वो ब्रिटेन के पहले सेक्रेटरी स्टेट फॉर वॉर थे। उन पर सार्वजनिक पैसों के दुरुपयोग के आरोप पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला, लेकिन वो भी बरी हो गए। हम यूके में देखें तो जब यहाँ पर थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे यहाँ पर, और यहाँ से जब वो वापस गए तो तब उनके विरुद्ध केस चलाया गया, जो उन्होंने करप्शन किया था, बहुत पैसा उन्होंने अर्जित किया था, नाजायज़ तरीके से अर्जित किया था, तो उनके विरुद्ध केस चला था, काफ़ी देर तक चला था, करीब 8 साल तक चला था। ऐसे ही एक और भी थे जो वहाँ पर वाइकाउंट मेलविल, जो वहाँ पर चीफ थे एडमिरल्टी के, और उन्होंने भी करीब जब नेपोलियनिक वॉर्स थी तो उनका केस भी ऐसा ही था, उनके विरुद्ध भी ऐसा केस चला, परंतु उनके विरुद्ध भी कुछ साबित नहीं हो पाया। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उन पर राजद्रोह, घूस और दूसरे किसी प्रकार के कदाचार के आरोप महाभियोग के जरिए सिद्ध हो जाएं। हालांकि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में महाभियोग के स्वरूप और आधार अलग अलग हैं। न्यूयॉर्क राज्य में 1613 में वहां के गवर्नर विलियम सुलजर पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया गया था। इसके अलावा अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान महाभियोग के प्रस्ताव आए। इनमें 1843 में जॉन टेलर, 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1974 में रिचर्ड निक्सन, 1998 में बिल क्लिंटन शामिल हैं। इनमें से एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दोषारोपण हो पाया।
हालांकि इराक युद्ध के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बेनगाजी और दूसरे मामलों के लिए बराक ओबामा के अलावा अपने व्यवहार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी कांग्रेस सदस्यों ने महाभियोग लाने की बात कही। पिछले जो दो केसेस जो कि इम्पीचमेंट के बहुत करीब पहुंचे, एंड्रू जॉनसन के और बिल क्लिंटन के, वो सेनेट इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया और मेजॉरिटी ऑफ सेनेटर्स इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि इस तरह का क्राइम हुआ है, तो इसीलिए उसका इम्पीचमेंट फिर डिरेल हो गया। और एक केस जो अमेरिका में और हुआ था वो निक्सन साहब का हुआ था, जबकि वहाँ पर इम्पीचमेंट होने वाला था लेकिन इम्पीचमेंट से पहले ही निक्सन ने रिजाइन कर दिया था। दुनिया के दूसरे देशों में हाल ही के चर्चित मामलों की बात करें तो 1992 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोलेरो डे मेलो पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद संसद के निर्णय से उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। साल 2000 में पेरू के तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी को भी पद से हटा दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। यूरोप के एकमात्र राज्य प्रमुख जिन्होंने महाभियोग के परिणाम के रूप में अपना पद छोड़ा वो थे लिथुआनिया रोलांडिस पाकस। 2004 में लिथुआनिया की संसद ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। 2012 में पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें बर्खास्त करने के अलावा उनके खिलाफ महाभियोग भी चला। तो ऐसे इम्पीचमेंट का एक वो होता है जो उनके विरुद्ध ये किया जा सकता है, आप काम कर सकते हैं जो अगर ब्राइबरी वगैरह में वो केस में नहीं आए, परंतु फिर भी बहुत देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार केवल विधायिका में सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल सकता है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब ये निर्धारित हो जाए कि राष्ट्रपति ने संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है और मजबूत और साफ सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने के नाते इस तरह की कोई स्थिति देश में सामने नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।